तो ऐसे तो तुम ये समझो कि एवरी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इज अ बिजनेस वेंचर, है ना। लेकिन सारे बिजनेस वेंचर जो है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में काउंट नहीं किए जा सकते। ऑल्दो इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। रिकॉर्डिंग है, ऑल दो मतलब देर इज नो मतलब कंक्रीट डिफरेंस, कोई साइंटिफिक डिफिनेशन नहीं है दोनों का कि हम उसके अगेंस्ट हम पार्ट कर सके दोनों को। बट तुम ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मैंने अपने फादर से 25 लाख रुपीज लिया और आई स्टार्टेड अ शोरूम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी मैंने खोल ली और मैंने अपने कॉलोनी में एक दुकान कर लिया। तो व्हाट आई एम डूइंग इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, है ना। बिजनेस में क्या होता है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, मैं किसी और के आइडिया, किसी और के प्रोडक्ट को और उनके ही सप्लाई चेन मॉडल को फॉलो करके आई एम जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो मतलब मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, आई बिकेम द पार्ट ऑफ दैट। ऑल्दो रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है, लेकिन जो आपका वो है कोई आपने इनोवेशन या आइडिया इंसेप्शन नहीं किया है, ठीक है। तुम लोग बीच बीच में बोल सकते हो या चैट कर सकते हो, है ना, अदरवाइज मुझे वो लगेगा, वन साइडेड टॉक लगेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो ठीक है। इसलिए हम बिजनेस को थोड़ा सा अलग रखते हैं एंटरप्रेन्योरियल आइडिया से। तो देयर आर फोर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एनी बिजनेस, है ना, जिसमें एक आइडिया है, कुछ लेवल पर रिस्क इन्वॉल्व है, ऑपरेशंस है बिजनेस के, और स्केलेबिलिटी है। मतलब स्केलेबिलिटी से क्या मतलब है यहाँ पे बताओ। इम्प्रूवमेंट वो बढ़ता रहना चाहिए। मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, मतलब अप टू व्हाट स्केल इट कैन रीच, टू व्हाट स्केल इट कैन गो। जैसे अगर तुम जैसे मान लो एक कोचिंग सेंटर की बात करें तो इसकी स्केलेबिलिटी बहुत है, मतलब इट कैन रीच इंटायर इंडिया और प्रोडक्ट लाइन भी चेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अगर कोचिंग खोला है तो कल को मैं आईआईटी का कोचिंग भी करा सकता हूँ, मेडिकल का भी करा सकता हूँ। ऑल्दो वो इनफीजिबल है इन मेनी केसेस और मेरा आइडिया वो नहीं होगा, बट स्केलेबिलिटी है बिजनेस की, है ना। बट व्हेन यू यस ओपन अ शोरूम, है ना, जैसे तुमने एक ब्रांड का एक शोरूम एक उसमें खोला कॉलोनी में, तो उसकी कोई स्केलेबिलिटी नहीं है, वो उसी शोरूम का है। बाद में आप बोल सकते हो कि हम अगला ले लेंगे, फिर अगला एक और शोरूम ले लेंगे, तो ऐसे करके हम स्केल कर सकते हैं। तो जब आप स्केलेबिलिटी का फैक्टर ले आते हो तो फिर आप इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर हो जाते हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे भाई है, ठीक है, कजन ब्रदर है, व्हाट ही डिड, उसने एक एक स्पाइकर का शोरूम खोला। टिल दिस टाइम ही वाज एन बिजनेसमैन, है ना, उसने उसने कुछ पैसे 50 लाख जो भी ले लगाकर उसने एक शोरूम खोला, वो एक बिजनेसमैन था। बट जस्ट ही रियलाइज्ड, उसने तभी रियलाइज किया कि ये कैजुअल वियर है एंड सिंस सेल्स के फिगर्स हाई हो रहे हैं धीरे धीरे, तो व्हाई आई शुड नॉट ओपन अ फॉर्मल वियर का शोरूम। उसने एलपी का एक और खोला, फिर उसने सोचा कि एक फीमेल का भी होना चाहिए, तो उसने ऑरेलिया का एक और खोला, है ना। और फिर उसके बाद एक मिक्स ब्रांड वो खोलना चाहता था क्योंकि ये सारे प्रीमियम ब्रांड थे, तो उसने एक मिडिल क्लास के लिए एक और वो कंबाइंड शोरूम खोल रहा है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग आइडिया इनटू हिज बिजनेस और उसको स्केल करने लगा, ठीक है। तो बिजनेस में आइडिया या इनोवेशन या स्केलेबिलिटी का फैक्टर आप बढ़ाते चले जाते हो तो इट बिकम्स एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ रही है तुम्हें इस बात? हाँ, मतलब टिल द टाइम यू आर नॉट डूइंग बाय योरसेल्फ समथिंग और कुछ बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, या फिर ऑपरेशंस में इनोवेशन नहीं कर रहे हो या स्केलेबिलिटी सीख नहीं कर रहे हो, तो आपका जो है वो बिजनेस है। बट द मोमेंट इवन इन अ सिंपल बिजनेस यू कैन क्रिएट द फ्लेवर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर देयर, ठीक है। जैसे चाय की दुकान बहुत लोग करते हैं, ठीक है, अब कोई एक चाय वाला है, अब उसने एक चाय की दुकान की, फिर उसने फ्लेवर लाना शुरू किया, पैकेजिंग करना शुरू कर दिया, अपने ब्रांचेस खोलने शुरू कर दिए, तो ही बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ही बिकम एन एंटरप्रेन्योर। यस समझ में आ सर, रहा है तुम लोगों? यस सर, ठीक है।
तो आइडिया रिस्क ऑपरेशंस ऑपरेशंस यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई पुराना बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस मॉडल पुराना है, बट आपने उसमें उस पूरे बिजनेस मॉडल का कोई एक पार्ट इनोवेट कर दिया, जैसे सप्लाई इनोवेट कर दिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग इनोवेट कर दिया, तो वो आप जैसे क्या होता है, तुम लोगों को पहले कभी मार्केट के बारे में बता रहे थे कि एवरी प्रोडक्ट हैज अ काइंड ऑफ मार्केट, मोनोपोली होता है ना, ओलिगोपोली होता है, ऐसे ओलिगोपोली होता है, तो हर मार्केट में एंट्री का एक बैरियर होता है, ठीक है, तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो कि टेलीविजन है या लैपटॉप है या मोबाइल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मार्केट हैं जहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के ब्रांड होते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ क्या किया कि आपने कुछ ऐसा मॉडल लिया है जो न्यू टू प्रोडक्ट तो वही है बट समहाउ उसकी कंसेप्चुलाइजेशन नहीं है, या तो उसका ऑपरेशंस नया है या उसकी क्या बोलते हैं उसको, या उसको जैसे मिल्क का मार्केट है, लेट्स से मिल्क का मार्केट है ना, मिल्क मार्केट है जिसमें मदर डेयरी या फिर कई सारे डेयरीज हैं या लोकल डेयरीज हैं, इतने सारे डेयरीज होने के बावजूद देयर वाज अ मतलब फुल फ्लेज बिजनेस ऑफ मिल्क, दिस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बड़े प्लेयर भी हैं छोटे प्लेयर भी हैं, बट समबडी केम एंड ही ब्रॉट अ ब्रांड ओलिची, तुम लोग देखे होगे इसका बॉक्स चलता हुआ मार्केट में कहीं कहीं, देखे हो? हेलो, नहीं सर, मतलब देख लेना, गूगल सर्च कर लेना, दे हैव स्टार्टेड 5 to 7 years back एंड दे आर ग्रोइंग इन गुड वो, इन्होंने क्या किया, सिर्फ काउ मिल्क का है ना, इन्होंने बोला कि हम सिर्फ काउ मिल्क बेचेंगे है ना, ऑफ प्योरेस्ट क्वालिटी, ठीक है, तो व्हाट दे डू इज कि वो जो जो काउ वो करते हैं रखते हैं, उन सबसे टाइप कर लिया कि आप अपने अपने यहाँ पे जो आप गाय रखोगे तो आप किसी और को दूध नहीं दोगे, तो डेली उन्हीं से लेते हैं, तो व्हाट ही डिड कि उसने एक ऑपरेशंस का तरीका ही चेंज कर दिया, मतलब ही इज नॉट इनटू डेयरी, वो सिर्फ काउ मिल्क बेचता है, समझ में आ रहे, तो बाय दिस वे ही क्रिएटेड अ डिफरेंशिएशन फैक्टर, जैसे ऑपरेशंस में उसने इनोवेट कर दिया है ना, एंड बाय दिस वे कस्टमर जो है ना उसको अलग से आइडेंटिफाई करने लगे कि नहीं ये एक ऐसा ब्रांड है जो डेयरी नहीं है, इट्स जस्ट दे आर कमिटेड टू प्रोवाइड 100% प्योर काउ मिल्क, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये किसी ऑपरेशंस में भी अगर आप वो करते हो, चेंज करते हो करंट बिजनेस के, है ना, तो आप वहां पे एंटरप्रेन्योर हो जाते हो, ठीक है, या तो सर ये तो बिजनेस में भी कहलाएगा ना, मतलब बिजनेस में अगर मैं अपना प्रोडक्ट लाइन चेंज कर रहा हूँ या कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो बिजनेस में तो वो भी कहलाएगा, जब आप प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हो, ठीक है जी, आप अपने ब्रांचेस बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली यू आर सीकिंग स्केलेबिलिटी, और जब आप स्केलेबिलिटी सीख करने लगते हो तो फिर से आप एंटरप्रेन्योर हो गए, मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे किराने का दुकान हर लोग खोल सकता है, बट समबडी विजुलाइज की नहीं इसको हम 4-5 ब्रांच खोलेंगे, ठीक है, तो ही डिड द सेम बिजनेस बाई स्केलेबिलिटी फैक्टर, तो वो एंटरप्रेन्योर हो गया, बात समझ में आ रही है? बट सर चार पर ब्रांचेस खोलना कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब उसमें कुछ इनोवेटिव तो है नहीं, नहीं नहीं ब्रांच ही तो कोई बात नहीं है, देखो स्केलेबिलिटी का फैक्टर जो है ना, देखो ऐसा नहीं है कि रिस्क जरूरी है पूरा, बट आप जब 4-5-6-10 ऐसे ब्रांच खोलने लगते हो अपने किराने के दुकान के, है ना, दैट शोज योर विल टू मेक इट बिग, है ना, वो आप स्केलेबल करना चाहते हो उसको, आप उसको आप उसके बिजनेस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाना चाहते हो, ऑफ कोर्स उसमें कई सारे एडवांटेज भी आपको मिलते होंगे सर, वो समझ गए सर, पर ये जो 3-4 पॉइंट्स है हमारे, आइडिया, रिस्क, ऑपरेशन, स्केल, स्केलेबिलिटी, ये तो मेरे बिजनेस में भी होती है सर, एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे अलग है? यही तो कह रहा हूँ कि एवरी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इज बिजनेस, बट नॉट ऑल बिजनेस इज एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, जैसे आप जैसे मान लो कि कोई आइडिया आपने क्रिएट ही नहीं किया, जैसे मेडिसिन शॉप खोला आपने, ठीक है, तो देयर इज नो आइडिया दैट यू क्रिएटेड देयर, आपने बस मार्केट में देखा कि मेडिसिन बिकता है ना,
और हमारे एरिया में इस एरिया में मेडिसिन नहीं है तो लेट्स स्टार्ट अ मेडिसिन शॉप हियर, ठीक है? तो दैट इज नॉट एन आइडिया, समझ में आ रही तुम्हें मेरी बात? ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है विच यू सॉ एंड स्टार्टेड अ बिजनेस देयर, समझ में आ रही मेरी बात? आप किसी शहर में रहते हो, जैसे मान लो मैं अपने छोटे शहर में रहता हूँ, मैंने देखा कि दिल्ली में जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है विच इज नॉट देयर इन माई सिटी, तो मैंने उसको ले जाके अपने शहर में उसकी एक फ्रेंचाइजी खोल ली, है ना? दिस इज नॉट एन आइडिया, समझ में आ रही बात? है ना? तो बिजनेस में ऑफकोर्स सब होता है, बिजनेस में रिस्क भी होता है. आप मेडिसिन शॉप खोल लिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो चलेगा ही, है ना? देयर इज ऑलवेज एन रिस्क. ऑपरेशन सब बिजनेस में होता है. आप चाहे फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस करो या चाय की दुकान करो, ऑपरेशन है. और एक एक, एक लेवल तक स्केलेबिलिटी भी होता है. जब कोई भी आप फ्रेंचाइजी खोलते हो या मेडिसिन शॉप भी खोलते हो तो आप छोटे बक्से में खोलते हो, मतलब कम उसके इन्वेंट्री के साथ खोलते हो. धीरे धीरे आप अपनी इन्वेंट्री बढ़ाते जाते हो, बिकॉज नॉट मेनी पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू, और फिर आपको और भी ज्यादा लोग आपके पास आने लगेंगे. लेकिन उसको हम स्केलेबिलिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है? वो तो उस बिजनेस की अपनी पोटेंशियल है जिसको आप रीच करना चाहते हो. समझ में आ रही बात प्रतीक? यस सर. ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर इन बिजनेस, बट दैट डजंट मीन कि वो उसको एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बनाए. वो आपको कुछ बड़े लेवल पे, कुछ इनोवेटिव लेवल पे, या फिर जैसे रिस्क भी है तो बड़ा है, आइडिया भी है तो वो मतलब नया आइडिया है कुछ, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने किया है इस तरह का कुछ है, या फिर बिजनेस वेंचर का ही बिल्कुल आपने ट्विस्ट कर दिया, पुराने बिजनेस को नया तरीके से कर दिए, तो ये सब आइडिया होते हैं. समझ में आया तुम लोगों को दिनेश? हाँ यस सर, समझ आया. झूठ नहीं बोल रहे हो ना? सर आपने तो एक बार क्लास में बोला था कि कोई भी आइडिया हो, जरूरी नहीं कि वो उससे पैसा जनरेट हो, पर वो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर हो सकता है, मतलब वो एंटरप्रेन्योर आइडिया हो सकता है. ये तो अलग बात है ना. मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब आप कोई ऐसा काम, जैसे मान लो सोशल वर्क के लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, एंड यू गॉट एन आइडिया कि हम ये वाला काम करें, ठीक है, तो उससे आपको पैसा नहीं मिल रहा. यू आर नॉट ट्रांजेक्टिंग मनी इन इन, मतलब वो मनी का ट्रांजेक्शन वहां नहीं है, बट एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर वो भी हुआ एक तरह से, मतलब एनीथिंग दैट यू स्टार्ट न्यू वो एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है. बट दैट डजंट मीन कि वो मतलब पैसा कमाए ही या पैसा आपके पास पैसे के ट्रांजेक्शन हो ही. मैंने लास्ट में क्लास में तुम्हें बोला था, ऑफकोर्स वो जरूरी नहीं कि बिजनेस के जैसा ही बिजनेस हो. जब भी आप कोई काम करते हो, वेंचर स्टार्ट करते हो, तो यू वांट टू अचीव समथिंग इन रिटर्न. जैसे एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें आपके पास इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है, तो आप बिना किसी आउटपुट का कोई भी वेंचर क्यों स्टार्ट करोगे, है ना? तो इनपुट आउटपुट है तो आप, यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ, यू आर पुटिंग सम रिसोर्स और अपनी मेहनत, टाइम, जो भी आप लगा रहे हो, तो आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? इसलिए मैंने उस टाइम पे बोला था, मैंने सोशल वर्क विच डजंट हैव एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है. बट यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस करते हो वो बिजनेस भी है, है ना? बट सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल वेंचर नहीं कहे जाएंगे. सर अगर फाइव डिफरेंस हमें पॉइंट में बताने हो तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या मेंशन कर सकते हैं? डिफरेंसेस पॉइंट में नहीं बताया जा सकता. तुम इसी चीज को, जैसे मान लो तुमसे कॉलेज इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है, नहीं ये हर बार पूछ रहा है सर कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर. जैसे आपने अभी ये बताया था ना कि 4 to 5 ब्रांचेस ऐसे वो ओपन कर दे, आपने ऐसे कोई एग्जांपल ना शोरूम का बताया था क्लास में, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट वो कुछ बिल्कुल सेम ही था. तो वहां पर वो बिजनेस था, अब पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा ही था. लेकिन तो मैं बहुत कंफ्यूज उसमें कि ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि
फैक्टर तो सब वही है उसमें भी, जैसे प्रतीक बोल रहा था आइडिया भी है, ऑपरेशंस भी है और रिस्क भी है हमारा, तो कुछ तो ऐसा मतलब होगा ना कि जो उस बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को अलग कर सके और हम पॉइंट में ही बताना है। जैसे जैसे ना तुम ये कभी बात हो ना तो तुम इसमें ऐसे बात करती कि एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जो है वो इनसे बनता है ना, जैसे कि वो उसमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है, उसमें रिस्क होता है, इसमें ऑपरेशंस होने चाहिए, मतलब कुछ नए तरीके के, या उसमें उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि सब का एक मेजरमेंट है कि इतने लेवल ऑफ न्यू आइडिया होना चाहिए, मतलब न्यूनेस होना चाहिए उतने लेवल ऑफ, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यूनेस का मेजरमेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिस्क का मेजरमेंट हो। जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है, एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो कम से कम रिस्क पे हाई गेन करता है, है ना। yes, sir. तो ऐसा नहीं है ना yes. कि जैसे मैंने कोई बिजनेस, मैं अगर कोई बिजनेस करता हूँ, या जैसे मैंने स्मार्ट खोला था, है ना, सीपी पे, तो आई हैड मिटिगेटेड द रिस्क अ लॉट उस टाइम पे, तो मैंने रिस्क को बहुत ज्यादा मिटिगेट कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि रिस्क आपका खत्म ही हो जाएगा, या रिस्क एक लेवल तक रहे तभी हम बोलेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरियल रिस्क है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसका कोई एक 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 कंक्रीट मेजरमेंट नहीं है इन चारों का। और सर जैसे हम ये फोर पॉइंट्स उनको मेंशन कर देंगे, ठीक है, आइडिया, रिस्क, ऑपरेशन और स्केलेबिलिटी, और वो बोले कि ये तो बिजनेस में भी होता है। हाँ, यही तो तुम्हें मैं समझ रहा हूँ कि बिजनेस में भी होता हाँ। है। बट जैसे अभी तुम्हें एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे तुम मेडिसिन शॉप खोले, ठीक है, आपकी कॉलोनी में, है ना, आपने विजुलाइज किया कि देयर आर 500 फैमिलीज विच देयर इज नो मेडिसिन शॉप, है ना, आपने सोचा कि क्यों ना मेडिसिन शॉप खोल, तो ये आइडिया है ना, बट ये आइडिया एंटरप्रेन्योरियल आइडिया के लेवल तक नहीं आइडिया है, ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड आइडिया है जो आपको दिखा, है ना, कि हम एक दवा की दुकान खोल दें, ठीक है, इसमें इसमें मतलब न्यूनेस नहीं है आइडिया में। हाँ सर, मतलब मेन पॉइंट है न्यूनेस का, क्योंकि जैसे आपने वो एक एग्जांपल बताया था कि टेस्ट मुंबई के बच्चों ने मिडिल मैन वो किया था, वो तो वहाँ न्यूनेस थी। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि न्यूनेस हो तभी एंटरप्रेन्योरशिप होगा, कई बार पुराने आइडिया को भी हम नए तरीके से इनोवेटिव वे में अगर हम कुछ कर, हाँ, ऑपरेशंस अगर बहुत ज्यादा इनोवेटिव कर दें तब भी वो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होगा। तो मैं इसी ये एक बिजनेस है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि एवरीथिंग इज हियर, रिस्क भी है, ऐसा तो है नहीं कि आप मेडिसिन जो आप खोलोगे और चली जाएगा, है ना, ऑपरेशन भी है क्योंकि आपको पीछे से सप्लाई लेना होगा, आगे डिलीवरी रखना पड़ेगा, एक बॉय रखना पड़ेगा, कंप्यूटर रखना पड़ेगा, सेटअप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ऑपरेशन भी है और स्केलेबिलिटी भी एक लेवल तक है। जैसे मान लो जब आप स्टार्ट करोगे तो 200 टाइप के मेडिसिन रख रहे हो, धीरे धीरे आप उसको 1000 बना दोगे, धीरे धीरे 10,000 तक के मेडिसिन रखने लगोगे, मतलब 10,000 टाइप ऑफ मेडिसिन। लेकिन ये स्केलेबिलिटी नहीं है, ये आपके ग्रोथ है। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल ग्रोथ। स्केलेबिलिटी हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही देखा जाता है क्या सर? नहीं, ऑपरेशंस के भी टर्म में देखा जाता है। एंड लॉट मेनी बिजनेस जो है आजकल तो ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे मॉनेटरी के बिना ही एंटरप्रेन्योर, जैसे तुम देखोगे गूगल जो है, यू कैन जस्ट सी द हिस्ट्री, गूगल अपने इंसेप्शन से लेके 4 साल तक दे नेवर हैड एनी रेवेन्यू, 4 साल तक। तो ऐसा नहीं है ना कि वो स्केल नहीं कर रहे थे, स्केल कर रहे थे, है ना, बट उनका कोई रेवेन्यू नहीं था, दे वर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर एनी सर्विस। इनफैक्ट कोरा अगर तुम जानते होगे, कोरा तो सब जानते हो ना, कोरा तो अपने सर्विस को मोनेटाइज 2 साल पहले से शुरू करना शुरू किया है, मतलब द फर्स्ट रेवेन्यू दैट कोरा वॉज हैविंग वो 2 साल पहले उनको मिला होगा। समझ आ रही बात? सर्वाइव कैसे करते होंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट लेता जाता हूँ, तो कई राउंड में इन्वेस्टमेंट होते हैं, सीरीज ए, सीरीज बी, ऐसे करके बोलते हैं हम,
ठीक है, आगे के लेक्चर्स में, आगे के स्लाइड्स में आएंगे श्री सी, ऐसे करके हम लेते रहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जब भी तुम इन्वेस्टमेंट लेते हो तो एंटरप्रेन्योर का शेयर जो है वो कम होता जाता है, इन्वेस्टर्स का भी शेयर उसमें आता जाता है, ठीक है। तो ये लोग भी कब इन्वेस्ट करेंगे, एबीसी, ये तब इन्वेस्ट करेंगे जब ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में आगे चल के रेवेन्यू का स्कोप है, ठीक है। तो उसको उसको जैसे ज्यादातर ऑनलाइन वालों के लिए बहुत ज्यादा ट्रू है ना, जैसे फेसबुक है इन लोगों के लिए, तो ये बहुत दिनों तक कोई पैसा नहीं अर्न करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोपिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कस्टमर ट्रैक्शन, इसका वर्ड है ना, कस्टमर ट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि एक बार कस्टमर जब आ जाएंगे, है ना, देन आई कैन सी कि क्या हमारा वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्निंग के लिए क्या क्या हम स्कीम निकाल सकते हैं या रेवेन्यू के लिए, ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर, बता दो अगर कंफ्यूजन हो तो इसमें। नहीं सर, ठीक है, अभी इतना सब, फिर थोड़ा खुद से भी पढ़ लेंगे ना सब कुछ, उसके बाद कुछ होगा तो। ठीक है, अब आते हैं हम इनोवेशन पे। ये स्लाइड नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, इसको तुम स्लाइड हम भेज देंगे तुम लोग को, पढ़ लेना, है ना। मैं दो वर्ड लिखूंगा, इसका डिफरेंस तुम बताओगे, एक इनोवेशन है, ठीक है, और एक इन्वेंशन है। इनोवेशन का मतलब होता है सर, जो भी एग्जिस्टिंग आइडिया है उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे न्यू वे, नया आइडिया, मतलब उसमें कुछ इनपुट डाल के उसी को मॉडिफाई करके दोबारा प्रेजेंट करना, दैट इज इनोवेशन। एंड इन्वेंशन इज कि आउट ऑफ द बॉक्स, हां हां वही, मतलब इन्वेंशन जनरली प्रोडक्ट के सेंस में सुना होगा तुमने, है ना, कि रेडियो का इन्वेंशन किसने किया, है ना, स्टीम इंजन का इन्वेंशन कैसे किया, किसने किया, ठीक है। तो एक बार स्टीम इंजन बन गया तब उसके बाद इसमें इनोवेशन होता है, right. एक बार जैसे मान लो कि तुमने ये रेडियो का इन्वेंशन कर दिया, तो उसमें उसके बाद इनोवेशन होता है। तो इनोवेशन इज कि कुछ इनपुट लेके, टेक्नोलॉजी का या फिर प्रोसेस चेंज का, किसी भी तरह का इनपुट लेके मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और इन्वेंशन जो है वो प्रोडक्ट या मैकेनिज्म का इन्वेंशन होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एक तुम्हें वर्ड ऐड कर रहे हैं, मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म ये है कि जैसे मान लो कि जनरली प्रोडक्ट के ही सेंस में नहीं, अगर आप कोई एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर देते हो, है ना, विच इज एबल टू ब्रिंग समथिंग, है ना, मतलब एक प्रोसेस क्रिएट कर देते हो जो आउटपुट लेकर इसको एक अच्छा आउटपुट बनाता है, सोशल सेंस में बात कर रहा हूं मैं, यहाँ इसको रियलाइज करना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आपने क्या किया कि मतलब जैसे अगर इनोवेशन की बात करोगे ना, इन्वेंशन की, तो सोशल सेक्टर में इन्वेंशन का कोई रिलेवेंस है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि ये है, यू कैन क्रिएट अ प्रोसेस या मैकेनिज्म, है ना, विच इज वेरी न्यू, जो पहले से नहीं था, बट यू आर एबल टू कन्वर्ट सम इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब एक सोशल चेंज भी डिराइव कर रहा है, वो सोशल चेंज भी डिराइव कर रहा है, तो वो भी एक तरह का इन्वेंशन होगा। yes, लड़ो अब इस पे, yes, कोई इस पे पूछेगा, डाउट है प्रतीक? सर डिफरेंस ही नहीं मैं कर पा रहा दिमाग में अपने, फर्क मतलब, ठीक है तुम्हारा दिमाग थोड़ा। सर इसका ना मैंने एक इससे रिलेटेड, आई थिंक इससे रिलेटेड था वो, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप उसने स्टार्ट की थी, उसने क्या किया था, जैसे हमारे घर के जो पीछे थोड़ा एरिया होता है जिसमें हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पे ना वो फॉरेस्ट बना कोई जैपनीज की, उससे मतलब पढ़ी तो उसने वहां पर थी, बट उसने बहुत ही कम कॉस्ट पे उसने इंडिया में उसको अप्लाई किया, वो बहुत सक्सेसफुली उसको लीड भी कर रहा है। मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका। तो वो ऐसा ही था, उसने उसमें मैकेनिज्म लगाया और बहुत ही अच्छा आउटपुट था, और आई थिंक बैंगलोर में है वो सब जो चल रहा है। तो वो जो मैकेनिज्म है ना, जिस प्रोसेस से उसने किया, हो सकता है, तो इसीलिए उस मैकेनिज्म को निकालना इज इन्वेंशन। मतलब अगर हम स्टीम इंजन, अगर हम स्टीम इंजन से डीजल इंजन में चेंज हो रहे हैं, तो वो डीजल इंजन हमारे
तुम्हारा इन्वेंशन है डीजल इंजन ना कि इनोवेशन. हाँ मतलब वहां पे तो इन्वेंशन था ही डीजल इंजन, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट के सेंस में बात ही नहीं कर रहा, मैं कोई प्रोसेस के सेंस में बात कर रहा हूँ कि कभी कभी आप प्रोसेस भी इन्वेंट करते हो. मतलब जनरली नए प्रोसेस को ना हम इनोवेशन में करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है. मतलब नए प्रोसेस को हम इनोवेशन में काउंट करते हैं, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि व्हेन देयर इज अ, मतलब कोई अगर बिल्कुल यूनिक प्रोसेस आप क्रिएट करते हो जो मतलब हर बार रिजल्ट देता है, तो वो प्रोसेस एक तरह से आपके लिए इन्वेंशन भी है. सर मैं एग्जांपल दूं उसपे. हाँ दो सर. जैसे बैंगलोर में एक कॉन्सेप्ट है, एक लड़की ने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, उसका नाम है मिट्टी कैफे, ठीक है. तो कैफे तो अक्रॉस इंडिया काम करते ही करते हैं, लेकिन उस मिट्टी कैफे की खासियत क्या है कि वहां पे वो जैसे एसेंचर है या फिर बड़ी बड़ी एमएनसीज में का सीएसआर फंड यूज करके कंपनी के अंदर ही वो लोग कैफे खोलते हैं, और मिट्टी कैफे के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो डिसेबल्ड हैं, ठीक है. अब कितने परसेंट डिसेबल्ड हैं, क्या डिसेबल्ड है, वो तो कंपनी की मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी उसके हिसाब से वो लोग मतलब एम्प्लॉयज को रखते हैं. तो एक तरीके का ये सर इन्वेंशन है, मतलब हम कॉफी जो कैफे है उसका हमने कैफे को इन्वेंट किया, ठीक है. लेकिन लेकिन कैफे के अंदर किस तरह की पॉलिसीज काम करेंगी, कैसे लोग काम करेंगे, वो इनोवेटिव हमारा चीज है. क्योंकि जनरली हम जो देखते हैं कैफे के अंदर वो एक नॉर्मल आदमी काम करता है, लेकिन सर उसके अंदर उसने एक डिसेबल्ड आदमी को एम्प्लॉयमेंट दी और उसका उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की, तो इट्स अ इनोवेटिव प्रोसेस. हाँ तो इनोवेशन, वही तो बोल रहा हूँ कि ये इनोवेशन है, ठीक है. लेकिन yes, sir, अगर, इनोवेशन है. आप एक इंटायर न्यू मैकेनिज्म डेवलप करते हो, ठीक है. यहाँ पे क्या है, आपने नॉर्मल आदमी को हटा के हैंडीकैप लोगों को रख दिया है ना. कभी कभी होता है कि हम स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन हटा के मिट्टी के बर्तन रख देंगे. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ चेंजेस दैट यू कैन क्रिएट इन नॉर्मल कैफे बिजनेस, तो वो हमारा फिर भी इनोवेशन रहेगा, ठीक है. बट आप एक एक पूरा मैकेनिज्म क्रिएट करते, जैसे मैंने बोला कि मैंने मैथ्स पढ़ाने का अलग तरीका डेवलप किया है, दैट इज इनोवेशन, ठीक है. लेकिन अगर मैं कोचिंग का मैकेनिज्म ही बिल्कुल चेंज कर दूं, ठीक है, दैट इज इन्वेंशन, है ना, वो इन्वेंशन हो जाएगा. मतलब देयर इज नो थिन लाइन, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, ठीक है. सीनू हंस रही. सर प्रतीक ने बोला वो इन्वेंशन नहीं होगा, आपने बोला वो इन्वेंशन हो जाएगा. मैंने बोला वो इन्वेंशन होगा. वो बोला इन्वेंशन होगा. अच्छा ठीक है, सॉरी फिर तो. म्यूट करके रख खुद को. सुन लो तो सही. रेडिकल चेंज कुछ लेकर आते हो ना इन टर्म ऑफ प्रोसेस, है ना, विच वॉज नॉट देयर. जैसे पुराने प्रोसेस में चेंज लाना विथ कीपिंग द एसेंस सेम, है ना. अब जैसे मान लो कि अगर कोई मतलब जैसे जैसे वेटर वाली बात है, तो पहले तो कोई ना कोई वेटर होता था ना, आपने बस इनोवेट किया कि आपका वेटर डिसेबल्ड होगा, ठीक है. तो ये तो क्या है कि प्रोसेस का एसेंस सेम है, बस आपने प्रोसेस के टाइप में चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो इनोवेशन है. बट आप पूरे इंटायर मैकेनिज्म ही डेवलप करो अलग तरीके का, है ना. अब ये नहीं बोल सकते कि कैफे में इन्वेंशन क्या होगा, ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं भी होता है. बट कहीं पे आप किसी और फील्ड में, कहीं और जगह पे आप बिल्कुल नए तरीके से आपने कुछ डेवलप किया है विच वॉज नॉट एग्जिस्टिंग, और मैकेनिज्म है वो, मतलब तरीका है काम करने का टू गेट अ रिजल्ट विथ सम आउटपुट, तो वो आपका एक तरह से इन्वेंशन हो जाएगा. सर मैंने एक बिजनेस वेंचर देखा था, ये किसी अब्रॉड लड़की ने खोला हुआ है. उसमें क्या है कि जैसे कि आप प्लास्टिक बॉटल शैम्पूज वगैरह खरीदते हो, तो उसमें आप प्लास्टिक बॉटल बहुत सारी यूज होती हैं, तो उसने एक रीफिल वाली शॉप खोली हुई, वहां पर अपना खुद का कंटेनर लाते हो और वहां पर रीफिल करते हो जैसे सोप सब कुछ. तो ये इनोवेशन हुई या फिर इन्वेंशन हुआ? ये पता है, ये रीफिल वाला कंसेप्ट मैंने भी सोचा था, मैंने खोला नहीं, लेकिन ये तो इन्वेंशन हुई ना, मैकेनिज्म में चेंज करा उसने. हां हां मैकेनिज्म में चेंज किया, तो एक तरह का इन्वेंशन है ये. इन्वेंशन है ये. अच्छा हां, मेरा पॉइंट ये है कि जब बहुत रेडिकल चेंज करते हो ना, तो वो इन्वेंशन है, है ना. व्हेन इट कम्स लाइक अ मैकेनिज्म, मतलब एक प्रोसेस ही नया दिखता है, ठीक है, प्रोसेस का पार्ट नहीं, प्रोसेस ही नया दिखता है, तो इन्वेंशन में काउंट हो सकता है. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, यहां मैं पिच ये करना चाह रहा हूं कि यू स्टिल कैन बी अ इन्वेंटर व्हाइल वर्किंग इन सोशल सेक्टर. मेरी बात समझ में आ रही है? यू स्टिल कैन बी अ साइंटिस्ट व्हाइल वर्किंग इन सोशल सेक्टर, ठीक है.
तो बस आपको ये ध्यान देना है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या आपको काम करना होगा। जैसे जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई और करता है तो हम यहाँ ये बोलेंगे। ये सारी चीजें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें, ठीक है। तो कहीं पे इनोवेशन की जरूरत है या कहीं पे इन्वेंशन की जरूरत है, इसको सीख करो, है ना। और इन्वेंशन कैसे लाया जाए, हाउ मच एफर्ट शुड बी देयर, क्या इनपुट लिया जाए, कैसे ग्रुप में वर्क किया जाए टू क्रिएट अ इन्वेंटिव सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो यहाँ पे सोशल इनोवेशन बोला जा रहा है, यू कैन ऑल्सो एड अ टर्म सोशल इन्वेंशन, ठीक है। तो जब आप सोशल इनोवेशन बोलते हो या सोशल इन्वेंशन बोलते हो, यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सिस्टम और चेंज द अर्लियर सिस्टम इन अ वे कि उसका इम्पैक्ट बढ़ जाए, है ना, रिसोर्स भी कम से कम यूज हो। तो ऐसे करके इनोवेशन के स्कोप आपको हमेशा देखते रहने चाहिए, ठीक है। और ये जो सोशल इनोवेशन या इन्वेंशन है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आपने एक बार इनोवेशन को विजुलाइज किया, नाउ व्हेन यू गेट इन, मतलब जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो एंटरप्रेन्योरियल हो गया काम, है ना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है। सर प्रशांत किशोर की जो संस्था है आईपैक, वो क्या ऐसा इनोवेशन है, इन्वेंशन है? नहीं नहीं, वो इन्वेंशन ऐसा नहीं है, मतलब उनके कई सारे काम इन्वेंटिव हो सकते हैं विद इन द संस्था, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल एनालिटिक्स है, ये बहुत पुराना काम है, इंडिया में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नया काम है, बट हो सकता है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में, जैसे ये मतलब पॉलिटिकली पॉलिटिकल एनालिटिक्स या पॉलिटिकल जो वो होते हैं पीआर का जो भी काम है, इसके छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स में उन्होंने इन्वेंटिव रहे होंगे, ठीक है, विच वी डू नॉट नो, मतलब हमें पता नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जैसे मान लो कि कोई कोचिंग ही चला रहा है बहुत बड़ा उस, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है कोई भी, उसके छोटे छोटे बीच में भी कहीं कहीं पे आप इन्वेंटिव हो सकते हो, मतलब आप छोटा सा पार्ट है आपके बिजनेस का जो आप बिल्कुल अब अलग तरीके से कर रहे हो, तो वो इन्वेंटिव सॉल्यूशंस है। इन्वेंटिव का मतलब हो गया बिल्कुल अलग तरीके से आपने एक प्रोसेस क्रिएट किया पुराने को, ठीक है। तो आप पूरे वेंचर को इन्वेंशन नहीं बोलोगे, वेंचर में कुछ हो सकता है जो इन्वेंटिव हो, वेंचर के कुछ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म को आप इनोवेटिव बोल सकते हो। हाँ, हो सकता है, तो वो कुछ पार्ट इनोवेटिव होगा और कुछ पार्ट इन्वेंटिव होगा, ठीक है, आगे बढ़े। जैसे हाँ सर, ठीक है। और एनीथिंग, एनी इंटरप्राइज क्या होता है बताओ तीनू? क्या सर? इंटरप्राइज क्या होता है सर? उसमें उनका थोड़ा रेवेन्यू भी, मतलब रेवेन्यू वाला पार्ट भी वो कंसीडर करते हैं इंटरप्राइज में। नहीं ये तो ठीक है, बट इंटरप्राइज होता क्या है? ऐसे ही पूछ रहे हो आप? इंटरप्राइज एक तरह से ना हर चीज मिला के होता है। जैसे इंटरप्राइज में, जैसे एक एक, एक पीपल मतलब कंपनी जैसे होता है ना, कोई भी कंपनी, उसके लोग, उसके रिसोर्सेस, उसकी फैक्ट्रीज या फिर ऑल रॉ मटेरियल्स, सब मिलाकर इंटरप्राइज बनता है। समझ में आ रही बात? मतलब लोग, फैक्ट्री, उनके कस्टमर, मतलब ये पूरा इंटरप्राइज जो होता है ना, जैसे हम बोलते हैं इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, तभी आजकल वो देखोगे आईटी इंडस्ट्री में इंटरप्राइज सॉल्यूशंस करके लोग बोलते हैं कि व्हाट वी प्रोवाइड इज इंटरप्राइज सॉल्यूशंस। जैसे मान लो कि अगर मेरी बिजनेस कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करती है ना, तो वो इंटरप्राइज का काम है ना, कस्टमर से इंटरेक्ट करना विद इन इंटरप्राइज, वो प्रोसेस है कस्टमर से इंटरेक्ट करना, तो उसके सॉल्यूशन के लिए किसी ने सॉफ्टवेयर दिया मुझे, तो वो मुझे इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरप्राइज, जैसे हम केवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर गोल्स, ठीक है, समझ में आ रही है तुम्हें? जब हम बोलते हैं कंपनी, कंपनी तो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ लीगल एंटिटी, है ना, कंपनी जो है वो बिजनेस करती है ना। व्हेन आई से इंटरप्राइज, तो इंटरप्राइज में पीपल विद फैक्ट्री विद ऑल रिसोर्सेस, ये सब मिलकर इंटरप्राइज बनता है, ठीक है।
मतलब कंपनी में भी तो फिर यही सब है, पीपल भी है, बिजनेस भी, फैक्ट्री भी, लीगल टर्म है कंपनी का, मतलब द लीगल एंटिटी, जैसे हम हाँ वो तो लीगल एंटिटी कंपनी वो करते हैं ना, रजिस्टर करते हैं ना, ठीक है जी, हम से ये नहीं बोलते कि मेरे कंपनी के पास एक फैक्ट्री है या इतना बिल्डिंग है या इतने लोग हैं। आई जस्ट से मेरी कंपनी विल बी अ लीगल एंटिटी विच हैज ऑल द राइट्स टू डू बिजनेस इन द कंट्री। जैसे मैं कंपनी रजिस्टर कराता हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं उनको बताता कि मेरे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। से एक एक कंपनी का जनरल स्ट्रक्चर होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, है ना, शेयर होल्डर्स होते हैं और कुछ स्टार्टिंग कैपिटल होता है जिसके थ्रू आप कंपनी स्टार्ट करते हो, ठीक है, वो कंपनी है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आया? यस सर। नहीं एक बिजनेस एंटिटी है जिसको हम कंपनी बोलते हैं। कंपनी का मतलब सिर्फ ये होता है कि लीगल आइडेंटिफिकेशन, जैसे मान लो कि स्मार्ग एडुरेव, जैसे हमारा है ना स्मार्ग एडुरेव प्राइवेट लिमिटेड, ये है नाम हमारा, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। एंड द ओनली व्हिच दिस कंपनी विल गेट आइडेंटिफाइड इज इसका पैन नंबर और इसका जीएसटी नंबर, मतलब जो भी इसके कंपनी रजिस्ट्रेशन का नंबर है। समझ में आ रहा है? ये एंटिटी हो गई। व्हेन आई से इंटरप्राइज, तो इसी नाम से इंटरप्राइज भी है हमारा, मतलब सेम नाम का इंटरप्राइज भी हो गया विच हैज पीपल इन इट, चार पांच लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, दो जगह हमारा सेटअप है एंड वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज विद अस, ये सब मिला के हमारा एंटरप्राइज हो गया। जैसे एक 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 सरकार के आदमी को ये मतलब नहीं है कि मतलब हमारे पास क्या है अभी टू रजिस्टर ए कंपनी, ठीक है, हमें तो मतलब है ना कि हमारे पास क्या है अभी। नहीं समझ में आया? तो सर वी कैन से कि एवरी एंटरप्राइज इज अ कंपनी? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे एक सोशल एंटरप्राइज जो हो सकता है वो कंपनी नहीं भी हो सकता है, वो लीगल एंटिटी नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं अपने गांव गया, ठीक है, मैंने चार लोगों को सोशल एंटरप्राइज, मतलब आप सामाजिक संगठन से बोल रहे हैं? हाँ, मतलब सामाजिक संगठन भी एक तरह से हो गया, लेकिन संगठन इज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मतलब समाज का कुछ पार्ट होना चाहिए। हाँ, इंटरप्राइज का मतलब है दे आर डूइंग समथिंग, उनके पास रिसोर्स है, कुछ प्रोसेस है, कुछ मैकेनिज्म है जो कुछ कर रहे हैं। समझ आ रही बात? यस सर, थोड़ा थोड़ा। यस सर। हाँ, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, वो सिर्फ समझो कि जैसे जैसे ना मतलब जैसे मैं बोलूं कि प्रतीक एक इंसान है, ठीक है, तो प्रतीक इंसान है, ठीक है, लेकिन सर कोई दूसरा एग्जांपल लो सर। नहीं सर, यही सही है। प्रतीक जो तू इंसान नहीं है क्या? प्रतीक मैं तो तेरे को बोला था ना म्यूट करके बैठ तू। कम बोल। हाँ सर बताइए, प्रतीक इंसान है? एक आगे इंसान है, तो इंसान जो है वो तो है ही, लेकिन प्रतीक के प्रतीक ऐसे नहीं समझता होगा ना अपने आप को, सिर्फ इंसान तो नहीं समझता होगा, प्रतीक समझता होगा कि पता नहीं सर। नहीं नहीं, मतलब तुम अपने आप को इंसान नहीं समझते, तुम्हारी एक आइडेंटिफिकेशन अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पास रिसोर्स है, तुम्हारी एजुकेशन है ना, तुम्हारे पास डिफरेंट मतलब एसोसिएशंस है और भी, तो ये पूरा हर चीज मिलके तुम अपने आप को मानते हो कि हम प्रतीक हैं, ठीक है, मतलब सिंपल ह्यूमन कोई अपने आप को कहां मानता है, हम इंसान है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि कंपनी का मतलब एक लीगल एंटिटी, जैसे मान लो कि I can say कि मेरी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है और काम करता हूँ मैं। When somebody asks me कि तुम्हारे कंपनी में क्या क्या है, तो वो पूछना चाहता है कि मेरा इंटरप्राइज क्या है। समझ में आ रही बात? चलो छोड़ो, मतलब कंपनी है ना, इट्स लाइक मतलब समझ में तो आ ही जाना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन अभी बहुत टाइम है तुम लोग लाइफ में समझने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर हो जाए सर, बस समझ लेगा बाकी चीज़ हम लोग। क्या बोल रहे हो सर?
सर मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी कुछ ही ऐसे ऐसे अगर तुम लेक्चर सुन रहे हो ना मेरा, तो पांच पैसे का भी फायदा नहीं है तुम्हारे पास. What I am doing is कि तुम्हारी ना रिलेटिविटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है. इंटरव्यू की तैयारी ये नहीं है. तो जो लोग भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है. यहाँ पे हम तुम्हारी रेशनलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं कि क्या रेशनल है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी जो है वो इंटरप्राइज से अलग है. सर ये हमारे इंटरव्यू में तो हेल्प करेगा ही ना, जब वहां जाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे. हाँ वो मेरा तो ये तो सर है ही, मेरा जो आप पढ़ा रहे हैं कि जैसे जैसे एक कंपनी है, ठीक है, इट्स अ लीगल एंटिटी. अब कंपनी के पास, कंपनी ही इंटरप्राइज है, ऐसा नहीं है कि अलग तरीके का, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी है और कोई एक इंटरप्राइज है. ये बात पे कंफ्यूज तो नहीं हो ना तुम? आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर टू कंपनी, एक ए और एक बी है, जो कंपनी बोलेंगे इसको इंटरप्राइज बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना. जब इंटरप्राइज हम बोलते हैं तो कंपनी विथ ऑल इट्स रिसोर्सेस, मतलब केवल कंपनी का मतलब होता है एक लीगल एंटिटी बस, है ना. ओके. जब हम इंटरप्राइज बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि उस सारे उसके जो भी रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, जो भी उनके पास फैक्ट्रीज है, रियल स्टेट्स है, सब मिला के उनका इंटरप्राइज क्रिएट होता है, ठीक है. ठीक है, ठीक है, समझ गया सर. समझ ही हो गए, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं. अब ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना. सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्राइज क्या था वो इंटरप्राइज सोशल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो सोशल एंटरप्राइज हो जाएगा. अच्छा, है ना. सोशल बेनिफिट और सोशल, जब भी मैं बोलू ना यहाँ पे अभी आजकल में, तो तुम इन्वायरमेंट इंक्लूड करके मानना. When I say social, although ये different term है, societal और environmental, but जब social benefit बोलूं तो अगर कोई environmental benefit के लिए भी काम कर रहा है तो वो भी social enterprise है. These days, आज के दिनों में it's a big demand कि social में environment को include करके बात करनी है, है ना. We cannot have different. Greta Thunberg बन जाना हम सबको. क्या चीज? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड भेज देंगे ना, तुम पढ़ लेना, है ना. और जो एंटरप्रेन्योर है जिनका पर्पस सोशल इश्यूज को सॉल्व करना है या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, वो ये सारे लोग जो होंगे जो एंटरप्रेन्योर, उनको हम सोशल एंटरप्रेन्योर. ठीक है. यस सर. चलो अब आगे. तो सर मुझे एक बात, हमसे भी पूछते हैं कि सर हमको क्या करना है एंटरप्रेन्योर बनके, है ना, हमें तो जॉब करनी है या हमको इस फील्ड में कैरियर बनाना है, तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होने की जरूरत क्या है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की जरूरत क्या है. बट बेसिकली ऐसा नहीं है. जैसे भी अभी तुम देखो, अभी कोरोना वायरस का अटैक हुआ, ठीक है, नाउ ऑल द बिजनेसेस हैज बिकम, बहुत सारे बिजनेस जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आ गए. यस सर, यस सर. यहां पे कई सारी प्रोडक्ट लाइन जो है वो खत्म हो गई, है ना. तो देयर आर नाउ वी आर अगेन ऑन स्क्वायर वन. तो अब यहां से अगर हमें फिर आगे बढ़ना है तो हमें पुराने चीजों को पुराने तरीके से ही करें, ये जरूरी नहीं है, हमें नए नए तरीके से करना पड़ सकता है. तो आपको ना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की जो नीड है वो सिर्फ बिजनेस करने में नहीं है,
इवन आपको जॉब करने में भी है ना। तो जैसे मान लो कि अगर कोई कोई मान लो कि मेरा मेरे कंपनी है जिसमें 100 पीपल आर देयर और मैंने एक एचआर मैनेजर हायर किया। अब वो एचआर मैनेजर जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस यूज करता है मेरे कंपनी में, मतलब जो इन जनरल प्रैक्टिस जो हर जगह फेमस है वही यूज करता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे टाइप की इंडस्ट्री में वो प्रैक्टिस काम ना है। जैसे मान लो कि जो आईटी इंडस्ट्री का एचआर का प्रैक्टिस है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी यूजफुल इन टीचिंग इंडस्ट्री का एचआर का प्रैक्टिस। समझ आ रही बात? इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पीपल टू पीपल, टाइप ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो है एचआर के प्रैक्टिस चेंज होने चाहिए। तो अगर कोई एचआर का मैनेजर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के साथ है तो ही कैन थिंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, है ना। तो एक एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में जो आइडिया और रिस्क और ऑपरेशंस वाली जो हम बात कर रहे थे ना, स्केलेबिलिटी वाली, अगर वो आपके अंदर है तो आप इसको यूज दूसरे के कंपनी में भी कर सकते हैं। और इसी के लिए जो टर्म दिया गया है ना वो है इंट्रप्रेन्योर, ठीक है। इंट्रप्रेन्योर आर दोज पर्सन जो किसी और कंपनी में एंटरप्रेन्योर लाइक वेंचर स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें एक नॉर्मल एग्जांपल बता दूं, जैसे गूगल में ना एवरी एम्प्लॉई है ना, दे कैन कम विद देयर बिजनेस प्लान, कोई बिजनेस प्लान वो लेके आ सकते हैं विच विल लार्जली बी सपोर्टेड बाई गूगल, गूगल की टेक्नोलॉजी और गूगल के ही लोगों से आप सपोर्ट पा सकते हो उसमें। और ऐसे केसेस में गूगल 20% स्टेक उस नए बिजनेस प्लान में आपको देती है और 80% स्टेक गूगल रख लेती है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे सिमिलर वर्क भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ कोई आया, कोई टीचर आए और उन्हें बोला कि सर आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन इन योर बिजनेस, है ना। तो बेसिकली आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का यूज जो है किसी और कंपनी में भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या कि डेली लाइफ के एप्लीकेशन तो है ही, मतलब इफ यू स्टार्ट इनोवेटिंग इन योर लाइफ, जैसे अगर आप अपने आप को थोड़ा फोर्स करो कि हम पुराने तरीके से काम नहीं करेंगे, है ना, एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू प्रोसेस टू परफॉर्म योर डेली जॉब, चाहे तुम प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करते हो या एनीथिंग दैट यू डू टू अचीव समथिंग, अगर आप उसमें चेंज लाने की कोशिश करो धीरे धीरे, तो वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे तुम ये समझो ना कि एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। आप उसको अगर हार्नेस करोगे, हार्नेस वर्ड क्या होता है, आप उसको अगर और अच्छा करोगे तो आपका जो एंटरप्रेन्योर स्किल है इट विल बी यूजफुल इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया जैसी कंट्री में न्यू वेंचर्स की ज्यादा जरूरत है रेदर देन पुराने वेंचर्स का एक्सपैंड होना। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो रिलायंस है या टाटा है, अगर सारे काम यही करेंगे तो इकोनॉमी जो है ना वो फ्लैट हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। तो वी नीड न्यू पीपल टू कम विथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज। और दूसरी चीज क्या है कि छोटे छोटे बिजनेस के एवेन्यूज जो कॉर्नर्स पे बचे रह जाते हैं, मतलब पूरे कंट्री बहुत बड़ी है ना, मतलब अराउंड 130 करोड़ पीपल आर देयर, और इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, तो देयर आर न्यूमरस अदर बिजनेस प्लान्स और बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी देयर विच माइट बी इग्नोर्ड बाई नॉर्मल कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो ऐसे सब जगहों पे अगर हम नहीं निकालेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। और तुम्हें बताया ही है कभी हमने क्लास में भी कि द मोर ट्रांजेक्शन वी डू इन इकोनॉमी उतनी ही होती है, ठीक है। तो छोटे छोटे एवेन्यूज फाइंड आउट करना, वहां पे बिजनेस क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। अभी हमें वो गैप को फिल करना पड़ेगा और उसी गैप के कारण आपके जो प्राइमरी वर्कर्स हैं दे विल कम टू द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है, जो एग्रीकल्चर और इस तरह के, तो कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा वहां। दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इन एवरीवन इज नीडेड। तभी तुम देखोगे कि आजकल नॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन है,
बीटेक वगैरह की पढ़ाई में भी ना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है। एमबीए में तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंडेटरी ही एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स और आप लोग सबके पास ये एक सर्टेन सेंस में आपको इसको हार्नेस करना चाहिए डे टू डे। कैसे हार्नेस करोगे ये तुमको या तो कॉलेज में सिखाया जाएगा या मैं कभी सिखाऊंगा जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी किसी क्लास में सिखा दीजिएगा, जरूरत है क्लास में सिखा देना, तो इतना आसान नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं सर इस क्लास में नहीं, मैं आगे की क्लास में बात कर रही हूं, ठीक है। तो अब एक जनरली फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म्स है ना उसका डिफरेंस समझ लो। अभी अभी आपने सुना होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे कई सारी यूनिवर्सिटी तुम अभी देखोगे ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो दे राइट इट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट वो बहुत पैसा लेते हैं स्टिल। तुमने देखा होगा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमिटी, ये सब, तो उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे ना तो वहां पे लिखा रहता है नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक लीगल टर्म है ना, विच सेज कि आपकी जो बिजनेस की प्रॉफिट है भी, जो सरप्लस आपके पास आता भी है, वो शेयर होल्डर्स में नहीं बटेगा या उनमें नहीं बटेगा जो उनको स्टार्ट किए हैं या फिर जो वेंचर ओनर्स हैं उनको नहीं बटेगा। दैट प्रॉफिट विल गोज बैक टू द बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। बताओ कोई। तो अल्टीमेटली फायदा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का ही हो रहा है ना। हाँ, और शेयर होल्डर्स का ही हो रहा है। देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर हियर। एक लीगल टर्मिनोलॉजी है ना, विच सेज कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जो सरप्लस है, जैसे मान लो कि मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोला, तो यहाँ पे मैं अपने लिए सैलरी रख सकता हूँ। एक जैसे आई कैन पुट माय सैलरी की 1,00,000 रुपीज पर मंथ का एक सैलरी मेरे लेवल के काम के लिए मिलना चाहिए। मैंने सैलरी रख लिया, 4-5 स्टाफ्स रख लिए, है ना। अब मैंने बिजनेस किया, उसके बाद आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ लेट से कि 30 lakhs का प्रॉफिट हो गया मैं। तो ये जो प्रॉफिट है आई वोंट डिस्ट्रीब्यूट या आई वोंट टेक फॉर माई सेल्फ, या मान लो मेरा पार्टनर है कोई बी है सी है ना, तो इनको मैं नहीं दूंगा। ये दिस प्रॉफिट विल गोज बैक टू ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, और फिर वो अपना स्केल बढ़ाओ या फिर जो भी काम करो, ठीक है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट हुआ। सीएसआर जो है, मतलब कई बार कंफ्यूज जाते हैं ना बिजनेस की, उसको लगता है उनको कि ये सीएसआर है, नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट इज नॉट सीएसआर, ठीक है। सीएसआर इज लाइक ये टर्म तो आया था सिर्फ एज ए ड्यूटी के लिए, कि हर कॉर्पोरेट्स की एक ड्यूटी है टू पे बैक टू द सोसाइटी। तो आप जितना अर्न करते हो कुछ पार्ट ऑफ दैट है ना आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करो। पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करो, ये ड्यूटी था। बट रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी करा दिया है ना। नाउ सीएसआर इज अ मैंडेटरी वो, लेकिन सबके लिए नहीं है। सम 500 crores के ऊपर जिनका रेवेन्यू होता है उनके लिए है कि 2% ऑफ योर रेवेन्यू should go to the CSR activities, ठीक है, समझ आया तुम लोगों? Yes sir. ये not for profit is a type of business which is a legal structure. CSR is a duty which was voluntarily जो था voluntarily था, लेकिन for a big organization, big corporates now it's a mandatory from government, ठीक है। और एक टर्म होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो तुम तब से देख रहे हो, ये इनका पर्पस ही यूटिलिटेरियन होता है ना। ध्यान दें यहाँ पे मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, है ना। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि आप सारे पैसे जो है सोसाइटी के बेनिफिट्स में लगा दोगे। बेसिकली इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर का जो आउटकम है वो सोसाइटी के लिए बेटर होगा, ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा। इधर आप बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हो, है ना, जो पहले से नहीं ले पा रहे थे रोजगार, या फिर आप उनके किसी सोशल इशूज को या फिर सोशियो इकोनॉमिक इशूज को सॉल्व कर रहे हो,
and by doing this you are earning also, that doesn't matter. तो ये social entrepreneurship जो है ये CSR नहीं है. Social entrepreneurship जो है वो legal कोई अलग से structure नहीं है कि ये social entrepreneurship venture है. Social entrepreneurship venture is utilitarian nature of a corporates, है ना, utilitarian nature of a company, ठीक है. तो गांधी जी का कहना था कि every company should have utilitarian approach, ठीक है, मतलब टू द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी. हाँ, बायस, आप प्रॉफिट कमाइए लेकिन सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाइए और सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाइए, मतलब रिटर्न जो है सोसाइटी को भी मिलना चाहिए आपके बिजनेस का. चलो अब आगे आते हैं कुछ लीगल टर्म्स के लिए, है ना, जो कि विल गो वेरी फास्ट. तुम लोग जानते होगे सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक, सर एक बार लास्ट वाला स्लाइड खोलना एक बार प्लीज. बोलो बस यही है ना, यूटिलिटेरियन का मतलब यही था कि सोसाइटी के सिंक्रनाइजेशन में होना चाहिए, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. हाँ. सोसाइटी के फायदे के लिए होना चाहिए. हाँ. और तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर का एक पॉइंट है छोटा सा बस. हाँ, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा. इवन अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस विल बी अ सोशल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर अगर वो यूटिलिटेरियन अप्रोच से काम कर रहा है. तो सर ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे सोशल वेंचर होते हैं. जैसे हम एक बार, मैं आपसे पूछ रही थी एक बार सोशल वेंचर के लिए कि हम कुछ सोसाइटी से रिलेटेड करें बट उससे हमें कुछ इनकम भी हम जनरेट कर रहे हो. हाँ, मतलब तेरा वाला ठीक था, तूने किया था बेसिकली. हाँ. क्या है कि आपके बिजनेस का नेचर यूटिलिटेरियन है. हाँ, ठीक है. यस सर. और सर ये जो नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन या जो भी होंगी ये कंपनीज वगैरह, तो ये तो टैक्स से एग्जेम्प्ट रहती होंगी. ये तो टैक्स भी देती होंगी. जब प्रॉफिट यूज ही नहीं कर रहे हैं वो, तो उसको टैक्स क्या देंगे, है ना. बहुत अच्छा है. तो सर एक और चीज सर, अगर कोई बंदा है जो किसी दूसरे कंपनी का CSR यूज करके सोसाइटी को डिलीवर कर रहा है कुछ, तो वो बंदा सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा क्योंकि उसके लिए खुद के लिए बिल्कुल कहलाएगा. देखो एक एक क्या होता है ना, हम आ ही रहे थे ना, जैसे आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो आपको रिसोर्स चाहिए, है ना. तो रिसोर्स जो है ना, हम रिसोर्स को एक्विजिशन करते हैं, रिसोर्स एक्विजिशन करते हैं, ठीक है. तो अगर आप किसी और कंपनी के CSR फंड को आप अपना रिसोर्स बनाते हो, है ना, बट अपना काम तो आप सोशल वेंचर के लिए कर रहे हो, तो आप सोशल एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है. तो अब आगे हम बढ़ते हैं. जैसे लीगल एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप जो 1% डज द बिजनेस, है ना, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती. बट अगर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो तो GST आपको कराना पड़ता है. वो भी एक लिमिट होता है, आपका रेवेन्यू अगर 20 लाख से ऊपर है तो आपको GST रजिस्टर कराना पड़ता है. एंड यू जस्ट हैव टू पे GST, अदरवाइज आप अपने इनकम पे इनकम टैक्स देते हो, ठीक है. तो ये सिंगल पर्सन बिजनेस ओन बाय ऑपरेटेड बाय 1%. पार्टनरशिप जब दो लोग मिलकर काम करते हैं, है ना, तो उसमें ये हो जाता है कि जो लायबिलिटी होती है बिजनेस की वो दोनों लोगों में बढ़ जाती है. लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी मतलब वेदर ऑर्गेनाइजेशन का कोई खर्चा हो या कोई लॉस हो या जो भी बेयर करना है मुझे. एक नया कंसेप्ट बीच में आया था विच इज नॉट वेरी फेमस, 1% कंपनी, ठीक है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी लेकिन वो एक ही पर्सन के होते थे. ये ऑलमोस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा है बट थोड़ा ज्यादा लीगल है, ठीक है. इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है, क्या कह रहे हो. ओपीसी ये लीगल थोड़ा ज्यादा है, इसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई तो ये इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसको फिर वो करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा हर बार, है ना. मतलब जो कंपनी के जो वो है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो वो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इसको फॉलो करना पड़ेगा 1% को. ऐसा इसलिए लोग करते हैं कि थोड़ा ज्यादा लीगल होने की वजह से ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, और कभी अगर आपको बेचना हो बिजनेस को तो आप अच्छे से उसको नेगोशिएट कर पाओगे, है ना, क्योंकि यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट व्हाइल डूइंग दैट, ठीक है. फिर आता है प्राइवेट लिमिटेड,
है ना, ये जानती हो कि 2% 2 directors के साथ ये registered होता है, ठीक है, shareholders ज्यादा भी हो सकते हैं, और आपको एक memorandum of understanding create करनी पड़ती है जिसमें वो सारा लिखा रहता है कि क्या क्या फील्ड में आप बिजनेस करोगे, एक स्टार्टिंग कैपिटल आपको बतानी होती है किससे आप स्टार्ट करोगे, और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें सारे लोग जो इन्वॉल्व है वो एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है, मतलब पैसा कितना कितना दे रखा है, ये सब का डिटेल होता है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। एक बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी बन जाए तो आपको हर साल उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, ऑडिट करानी पड़ती है। तो जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तब आप थोड़ा सा मतलब प्राइवेट लिमिटेड उसको कर ही देते हो, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर होता है व्हेन टू कंपनी है ना, टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एक साथ आती है विथ देयर इंडिविजुअल शेयर्स की, जैसे मान लो कि 80-20 का शेयर में, बट इसमें बस फर्क क्या है कि मतलब फर्क नहीं, इसमें तुम्हें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि डिसीजन राइट्स भी 20% का ही हो जाता है ना। ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो होती है वो सेपरेट एंटिटी बन जाती है, मतलब कंपनी ए और कंपनी बी, इसका 80% शेयर इसका 20% शेयर भी रहने के बाद भी ये जो है एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, और देयर इज नो स्पेसिफिक राइट ऑफ ए और बी इन दिस, है ना। ऐसा नहीं कि 80% राइट है, बात समझ में आ रही है, लेकिन लेकिन लीव द कंपनी और धीरे धीरे वो इससे खरीद सकते हैं इसका पार्ट, शेयर पार्ट, है ना। लेकिन से कि हम पार्ट नहीं रहेंगे ज्वाइंट वेंचर का, ये सब कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग का राइट्स होता है कुछ ज्यादा, बस ये है कि प्रॉफिट और लॉस अपना इसी परसेंटेज में बटेगा। तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है विच विल वर्क सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, बट दे आर ज्वाइंट वेंचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आजकल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है, जैसे ज्यादातर कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन देखोगे ना, जैसे डेलॉइट है, केपीएमजी है, दे ऑल आर एलएलसी, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसमें अगर कोई पर्सन आगे बढ़ता है, मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसको कंपनी पार्टनर बना देती है, ठीक है, है ना। और वो पार्टनर बनाने के बाद जो उनका प्रॉफिट, जो कंपनी की पूरी प्रॉफिट होती है, वो सारे पार्टनर्स में बंटने लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों? Yes. तो जैसे जितने भी, जैसे लीगल कोई भी बड़ी लीगल कंपनी होगी ना, वो एलएलसी ही होगी आगे चल के। जैसे मान लो कि मैंने एक लॉ फर्म स्टार्ट किया, अचल एंड एसोसिएट्स, अब धीरे धीरे मुझे एक पर्सन ए मिला जो बहुत ज्यादा बिलिंग है इसके नाम से, मतलब बहुत ज्यादा क्लाइंट जो है इसके नाम से आते हैं मेरे पास, तो मुझे इसको पार्टनर बना देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो हम सैलरीड रखते हैं, फिर धीरे धीरे सबको पार्टनर बनाते जाते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक तो रिस्क भी इनको शेयर करना पड़ता है, एंड दे विल आल्सो टेक द पार्ट ऑफ प्रॉफिट आल्सो, ठीक है। और एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है जिसमें ये मतलब ये कोई लीगल टर्म नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें ए और बी कंपनी दोनों मिलकर एक काम करती है ना, एंड दे हैव देयर ओन एक एक वो बना लेते हैं ना, डीड क्रिएट कर लेते हैं, डीड लीगल डीड होता है जिसमें वो बताते हैं कि हम आपको ये सपोर्ट देंगे, हम आपको ये सपोर्ट देंगे, बट अगर कोई रिस्क होता है तो आपको इतना बियर करना पड़ेगा, आपको इतने परसेंट बियर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सर एक क्वेश्चन मेरा पहले वाले में है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला। हाँ। जैसे ये लिमिटेड लायबिलिटी है तो मतलब अगर कोई लॉस होगा तो एक हमने कोई लिमिट सेट की हुई है क्या कि जो पार्टनर हमने अभी बनाया है वो इतनी ही लायबिलिटी बियर करेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट लेगा और कितना परसेंट लॉस शेयर करेगा? ओके ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि वो पार्टनर बन गया तो उसके सारे काम वो अकेले ही कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं अचल एसोसिएट में एग्जांपल दिया कि मैंने स्टार्ट किया, इफ समबडी कम्स टू आवर कंपनी तो ऐसा भी है कि वो मेरे ट्रस्ट पे भी आ रहा है, नॉट ओनली दैट लॉयर्स ट्रस्ट, तो वो दोनों लोग का ट्रस्ट है, तो हम दोनों लोग उस पर डिसाइड करते हैं, और वो हमेशा निगोशिएबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही नंबर ऑफ परसेंटेज डिफाइन रहता है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, परसेंटेज का, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मर्जर
क्या होता है, मर्जर जो होता है बेसिकली, मर्जर एंड एक्विजिशन दो टर्म है ऐसे तो. मर्जर जब होता है जब दो कंपनी ए और बी, उन्हें लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, तो हम वॉल्यूम भी बढ़ा लेंगे, स्केल भी कर लेंगे अपनी कंपनी को, और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ज्यादा. ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम लोग मर्जर बोलते हैं. एक्विजिशन क्या होता है, व्हेन ए बी को एक्विजिट कर लेता है, मतलब बी पे अधिकार रख लेता है. मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे? थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. मर्जर में कंपनी एक्विजिशन में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. एक्विजिशन तो हाँ वही पहले का वो अपना वो एक तरीके से अधिकार पूरा हो जाना काइंड ऑफ ना. हाँ तो मतलब पूर्वांचल बैंक है सर, उसकी वो एक्विजिशन उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मतलब उसका उस पे अधिकार स्टेट बैंक का, लेकिन आइडेंटिटी पूर्वांचल बैंक अपनी खुद की यूज करता है. नहीं वो तो जरूरी नहीं है कि मतलब आइडेंटिटी करे ना करे, मैं तो सिर्फ एक्विजिशन में बता रहा था कि जो बी के लोगों का जो स्टेक है ना, वो ए के लोग ले लेंगे. एक्विजिशन इज बेसिकली फोर्स बाइंग, हम जबरदस्ती खरीद लिए तुमसे. मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मर्जर में ना दोनों के स्टेक होल्डर्स जो है ना, अभी दोनों कंपनी के स्टेक होल्डर्स रहेंगे मिला के, ठीक है. लेकिन एक्विजिशन में ए कंपनी का स्टेक होल्डर जो है बी कंपनी के सारे स्टेक्स ले लेगा बाय पेइंग मनी टू द स्टेक होल्डर्स. एक तरह से कंपनी बाइंग हो गया, बट एक्विजिशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाइंग का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक्विजिशन बोलते हैं हम उसको. ठीक है, स्ट्रेटजिक अलायंस मतलब आप दो अलग अलग बिजनेस आप रहोगे, बट किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने स्ट्रेटजिक वो किया है, अलायंस किया है. ठीक है, इसमें आप लीगल भी कोई काम कर सकते हो लीगल डॉक्यूमेंट बना के, और बिना लीगल डॉक्यूमेंट बनाए भी कुछ कर सकते हो. मतलब जो एमओयू होता है वो स्ट्रेटजिक अलायंस का ही पार्ट है. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चैट में भी लिख सकते हो. सर जो एमओयू होता है वो स्ट्रेटजिक अलायंस का ही पार्ट होता है. मतलब नहीं नहीं एमओयू तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं पे भी बन सकता है. जैसे हम और तुम भी आपस में एक एमओयू बना सकते हैं. वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप क्रिएट होने पे एमओयू बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स एंड कैपिटल. देखो कैपिटल तो एनीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अ कंपनी. ठीक है, तो जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो सब कैपिटल के पार्ट होते हैं एक तरह से. ठीक है, और रिसोर्स इज जो रिसोर्स जो है, रिसोर्स बेसिकली दैट इज यूजफुल टू कंडक्ट इनपुट इनटू आउटपुट. Although input भी resource होता है एक तरह से, तो मतलब anything which help you in getting output is your resource. एक बहुत पुरानी कहावत होती थी, पहले लोग resource का definition देते थे, resource is scarce, है ना? But ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब you can see there are numerous resources which is not scarce. बताओ प्रतीक क्या बोल रहे हो? Sir अगर कोई न्यू वेंचर है, अगर कोई न्यू कंपनी है, पुराने वाले स्लाइड का क्वेश्चन है सर. अगर कोई न्यू वेंचर है, न्यू कंपनी है, वो अगर मार्केट में आके काम शुरू करना चाहती है, तो उसके लिए क्या सूटेबल रहता है, मतलब क्या कम जिसमें कम रिस्क रहता है, वो किस तरीके से अपना वेंचर रजिस्टर कराए, वेदर इट सोल प्रोप्राइटरशिप में कराए या प्राइवेट लिमिटेड में कराए, डिपेंड करता है प्रतीक. जैसे जैसे मतलब आपने बोला था सर कि कंपनी अगर अच्छा करना शुरू करे तो प्राइवेट लिमिटेड कराओ, और बहुत ही अच्छा करने लग जाए तो वो एलपीपी उसमें एलएलसी में चले जाते हैं. वो एलएलसी में तो जाना नहीं चाहिए अनटिलनेस आपका बिजनेस जो है लोगों पे ना डिपेंडेंट है. जैसे तुम देखोगे ना एलएलसी कुछ खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन ही एलएलसी होती है, जैसे कंसल्टिंग में है ना. कंसल्टिंग में कंसल्टिंग कंपनी एलएलसी होती है, तुमको लीगल फर्म्स एलएलसी होते हैं, है ना. कई बार डॉक्टर का जो हॉस्पिटल जो होता है ना कई जगह पे वो एलएलसी होता है ना, बट वो भी नहीं होता इंडिया में, तो कोई हॉस्पिटल एलएलसी नहीं होगा. ठीक है, तो एलएलसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही बनती है जहाँ पे पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है तो स्टार्ट अगर कोई वेंचर स्टार्ट हो रहा है तो उसको किस तरीके से रजिस्टर करना चाहिए खुद को देखो अगर सोशल वेंचर कोई वो हो रहा है तो जैसे अगर तुम एक मिनट होल्ड करो हेलो यस सर हाँ तो टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है जैसे कि मान लो कि अगर तुम कोई वो करना चाहते हो ट्रेड का बिजनेस करना चाहते हो है ना तो आपको पहले ही रजिस्टर करना पड़ता है ना एटलीस्ट कंपनी का रजिस्टर ना करो सोशल एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ सोशल एंटरप्राइज आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो शुरू में एज एन पार्टनरशिप वेंचर या सोल प्रोप्राइटरशिप जब आपको लगे कि हाँ ये सोशल एंटरप्राइज पे है तो आगे चल के आप उसको नॉट फॉर प्रॉफिट भी रजिस्टर करा सकते हो एज एन एनजीओ भी रजिस्टर करा सकते हो ऐसा कुछ है नहीं अगर आपको सर आपने ना अभी बोला एलएलसी के लिए पीपल आर वेरी इम्पोर्टेंट और सब में ऐसा क्या है जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है और इसमें ऐसा क्यों है इम्पोर्टेंट है मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब है कि जिसके कारण कस्टमर्स आते हैं जैसे मान लो कि कोई लीगल फर्म है ना तो उसमें 10 वकील हैं अलग अलग टाइप के मतलब मान लो कि रियल एस्टेट मैटर्स का एक लॉयर है तो ओके ओके मतलब एम्प्लॉइज का वो ज्यादा है मतलब आउटपुट लेने के लिए एम्प्लॉइज उसका फेस राइट राइट ओके 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 ठीक है तो आप तो जैसे अगर अगर वॉलमार्ट उसको पार्टनर नहीं बनाओगे ना तो अपना कंपनी खोल देगा जैसे वॉलमार्ट ने एक्वायर करा अभी उसको फ्लिपकार्ट को इसी तरीके से उसको भी ये एलएलसी टाइप का एग्जांपल हुआ क्या नहीं वो तो एक्विजिशन है एक तरह से है ना ओके ठीक है एलएलसी तो टाइप ऑफ कंपनी हो गया ना ठीक है तो वो जब ये कंपनी जब बनती होंगी तो ऑलरेडी टाइपकास्ट हो जाता है कि एलएलसी है नहीं मतलब वो बाद में भी कर सकते हैं अपने आप को एलएलसी ओके स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड कराने से पहले कुछ तो होगा ना कि वो कहाँ रजिस्टर्ड करा रहे हैं खुद को नहीं मतलब अभी जैसे एलएलसी भी तुम डायरेक्ट रजिस्टर करा सकती हो लेकिन एनी टाइम यू कैन चेंज योर नेचर ऑफ कंपनी हां मतलब इनिशियल पॉइंट पे तो हमें कुछ रजिस्टर्ड कराना होगा ना कि हम इस उसमें रजिस्टर्ड करा रहे हैं एलएलसी नहीं ऐसा जरूरी नहीं है आप इंडिया में इंडियन जैसे जगह पे अगर आपका बिजनेस जो है ऐसा नहीं है जिसमें लाइसेंस की जरूरत है तो यू कैन जस्ट ओपन योर बिजनेस एनीवेयर है ना अब जैसे तुम रेस्टोरेंट खोलते हो तो रेस्टोरेंट बस आपको लाइसेंस चाहिए रेस्टोरेंट का बिजनेस रजिस्टर्ड हो ये जरूरी नहीं है है ना तो जब लाइसेंस लोगे तो कुछ ना कुछ नाम तो रखोगे ना तो प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा वो ठीक है हाँ हाँ मैं वही मैं बोल रही हूँ कि प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है ओके ठीक है अब एक पॉइंट आता है फिनांस का ठीक है इस पे हम लोग विल मूव फास्ट बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है जब आप अपने एंड से पैसे अरेंज करते हो जैसे मान लो कि दो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने अपने घर वालों से कुछ पैसा लिया फिर धीरे धीरे बिजनेस किया फिर वहां जो प्रॉफिट हुआ फिर उसको लगा लिया तो खुद से जब आप फाइनेंस करने लगते हो तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग ठीक है कम ऐसी कंपनी है जो बूटस्ट्रैपिंग के तरीके से बहुत बड़ी बिजनेस हुई है ना ऑल्दो बहुत सारे हुए भी हैं जैसे तुम जितने भी बड़ी कंपनी को जानते हो ना फ्लिपकार्ट ओला ये सारे बूटस्ट्रैपिंग नहीं है है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस जो बूटस्ट्रैपिंग जिसको मैं जानता हूँ वो है आकाश ठीक है एक एक पैसा का वो होता है सिस्टम होता है लोन जिसमें आप लोन लेते हो ठीक है या तो पर्सनल लोन लो या बिजनेस लोन लो क्योंकि जनरली स्टार्ट में आपको ना बिजनेस लोन मिलता नहीं है आपको पर्सनल लोन ही लेना पड़ता है ठीक है तो लोन फाइनेंसिंग है इसके बाद आता है एक सीड इन्वेस्टमेंट
सीड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, आइडिया के ही स्टेज पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तुम्हारे साथ तो उसको सीड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है दोनों को? यस सर। हाँ मतलब yes, आप जब इक्विटी लेता है इसमें, हाँ इसमें इक्विटी जाती है हमारी। हाँ मतलब जब भी कोई लोन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लोन नहीं है तो उसमें आपको इक्विटी आपको देना पड़ता है। Any investment which is not loan, वहाँ आपको इक्विटी देना पड़ता है। होल्ड कर थोड़ा सा। उसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टर्स। जब आप जैसे मान लो कि आइडिया को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, है ना, यू क्रिएटेड अ प्रोडक्ट और सर्विस थोड़ा बना दिए बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे ही, तो वहां पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो हम उसको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में भी जैसे मान लो थोड़ा बिजनेस बढ़ भी गया और आपको थोड़ा और एक्सपेंशन करना है तो आप किसी से लोन लेते हो, तो या तो आप लोन ले सकते हो या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हो। या आप बोलोगे आप मुझे इतना पैसा दो, आपको हम इतना परसेंट इक्विटी दे देंगे आपको। सुन मैं आ रही तुम लोगों को, फेसबुक का एक बहुत फेमस कहानी है कि फेसबुक की जो कंपनी खुली थी, है ना, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ले लिया था शुरू में तो उसको पेंट कराना था, तो पेंटर को वो दे सकते थे, पैसा दे सकते थे, बट मार्क जुकरबर्ग उससे बात करते करते बोला कि चलो पेंट के बजाय तुम इक्विटी ले लो थोड़ा, तो उसने इक्विटी ले लिया एंड आफ्टर फ्यू इयर्स मतलब उससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमाया आफ्टर सेलिंग दैट इक्विटी। समझ में आ रहा तुम लोगों को? हाँ जी। हेलो। यस सर। ऐसे ऐसे चीजों को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब आपने कोई पैसा नहीं दिया है बट यू वर्क फॉर द कंपनी, है ना, टू गेन सम इक्विटी। ठीक है। ठीक। और एक ये जो पॉइंट है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ये मैंने पॉइंट इसलिए यहाँ पे ऐड किया है कि कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मान लो 2 लाख रुपया स्पेयर है, ठीक है, तो आप इसको बैंक में रख सकते हो इंटरेस्ट के लिए, एफडी कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको किसी सोशल वेंचर में इन्वेस्ट करते हो, है ना, बाय टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क की, चलो ठीक है रिटर्न बहुत आए चाहे ना आए बट एटलीस्ट इसका इस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे। समझ आ रही मेरी बात? उसको हम इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, कहते हैं। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो, हाँ, ऐसे वेंचर्स में जो सोशल यूजफुल या सोशल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल जो है, जैसे हम लोग बीच में अभी तक कहाँ थे, सीड इन्वेस्टमेंट के बाद एंजल पे थे, इसके बाद अगर कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे मान लो कंपनी थोड़ी और बड़ी हो गई, है ना, आपने थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट आपका एस्टेब्लिश हो गया एंड नाउ यू वांट टू मेक इट स्केल फॉर द इंटायर कंट्री और वर्ल्ड वाइड स्केल करना चाहते हो, तो ऐसे मोमेंट पे आपको वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते हैं जिसमें आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है एंड ऑफ कोर्स निगोसिएशन आप करते हो उसमें इक्विटी देने में कि कितना परसेंट निगोसिएशन देंगे, निगोसिएट करेंगे। तो जैसे मान लो कि एक सिंपल समझो, जब आपके पास एक सॉफ्टवेयर का आइडिया था कि हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो उस समय आपने पैसा लिया तो वो सीड कहलाएगा। ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, है ना, और बनाने के बाद आपको कहीं कहीं पे रखना है, जैसे मान लो कि ऑनलाइन स्पेस चाहिए तुम्हें रखने का, डोमेन नेम चाहिए, एन नंबर ऑफ अदर एक्सपेंसेस आपको करना है टू मेक इट ग्रो अ लिटिल, तो उस जगह पे आपको एंजल इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब आपका प्रोडक्ट रन हो गया और मान लो कि 20-25 हजार रुपए लोग जो है ना उसको यूज करने लगे उस सॉफ्टवेयर को, एंड नाउ यू हैव सीन द स्कोप ऑफ रेवेन्यू, बट आप इसको लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो उस जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा चाहिए तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि फिर राउंड्स में होते हैं, जैसे ये फर्स्ट राउंड हो गया, कुछ दिनों बाद आपको और भी ज्यादा एक्सपेंड करना है तो सेकेंड राउंड का होता है, तो उसी को सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कभी तुम इकोनॉमिक्स टाइम्स या किसी भी बिजनेस न्यूज को पढ़ोगे तो ऐसा सुनने को मिलेगा कि ओला हैज गॉट, ओला तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, नाउ दे विल इन्वेस्ट समवेयर, बट वो इन्वेस्टमेंट से कोई कंपनी है तो उसके नाम से आता है कि दिस कंपनी हैज गॉट सीरीज सी इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जिससे जैसे बाद का इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो और बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे जैकमा और ये लोग है ना, वो सीड लेवल पे या एंजल लेवल पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो मतलब इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है ना कि मेरा आइडिया किस लेवल का है, तो मैं उस लेवल की इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो अपने आप कैटेगराइज हो जाएगी सीड की तरफ, चाहे एंजल की तरफ, चाहे वेंचर की तरफ। हाँ, मतलब ये तो बोलने का तरीका है, इट्स नॉट लीगल टर्म ना कि ऐसे ही बोलोगे। अब जैसे मान लो मेरे पास एक आइडिया है अभी दिमाग में, और मैं उसको, उस आइडिया को इंसेप्ट करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो अब मैं क्या बता, स्टार्ट ही वेंचर लेवल से करो। नहीं, स्टार्ट ही वेंचर लेवल से तुम कैसे कर सकते हो, मतलब क्यों, कंट्री वाइड अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिले और पूरा कंट्री वाइड ही शुरू हो जाए तो वो वेंचर लेवल पे ही जाएगा ना सर। हाँ, उसको कह सकते हो फिर वेंचर लेवल पे, लेकिन जनरली ऐसा मिलता नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट। वो आपके पिताजी आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं इतना, लेकिन कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट जो है विल नॉट गिव हैव दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, क्योंकि उनको ना कई जगह पे पोर्टफोलियो बनाना होता है, कई जगह पे वो करना होता है, ठीक है। और एक तरीका होता है बाद में एक कन्वर्टिबल डेट, जैसे लोन की तरह आप लेते हो, लेकिन बाद में उसको इक्विटी भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि जो एंटरप्रेन्योर है और जो लोन गिवर या इन्वेस्टमेंट है, वो उस पर क्या बातचीत होती है कि क्या परसेंट शेयर वगैरह देते हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी अगर, या कोई एक कंपनी ए है, 4 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, तो इसका 100% स्टेक जो है वो मतलब 4 करोड़ हुआ, है ना, वैल्यूएशन अगर 4 करोड़ का हुआ है। तो अब अगर तुम इन्वेस्टमेंट लेते हो, मतलब तुमने बोला कि हम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक है, तो 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो बोलता है कि हम इसको 5% मानेंगे, 5% का स्टेक मानेंगे। तो आप बेसिकली 50 लाख अगर 5% है तो पूरी कंपनी हो गई 5 करोड़ की, हो गई ना, नहीं 10 करोड़ की, तो आपका वैल्यू जो है 95% आपके पास बच जाएगा, ए के पास, जिसने स्टार्ट किया है। बट उसकी जो 95% की वैल्यू जब हो जाएगी, अब 9.5 करोड़ की हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट मिलने से इसलिए भी फायदा होता है किसी स्टार्टअप को कि उनकी इवैल्यूएशन बढ़ जाती है। जैसे एक कंपनी थी बीच में housing.com, अभी भी है housing.com, सुना होगा तुमने, इनके इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट मिले कि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई, और एक टाइम तक ऐसा था कि 1500 करोड़ की कंपनी हो गई थी विद इन 2.5 ईयर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो उनको क्योंकि जल्दी इन्वेस्टमेंट मिले थे, तो हर बार कोई इन्वेस्टर पैसा देता है तो अपने इन्वेस्टेड वैल्यू को, इन्वेस्टेड मनी का एक इक्विटी बनाता है, तो कि हम इतना परसेंट हम उसको मानेंगे, तो बचा हुआ जो भी अमाउंट होगा वो अपने आप ही इतना बढ़ जाएगा। तो जैसे था ये कंपनी 4 करोड़ का ही, बट जस्ट बाय दिस इन्वेस्टमेंट इट बिकम 10 करोड़ कंपनी, समझ में आ रहा तुम्हें। बट ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ हो गया तो आप कोई खरीद लेगा 10 करोड़ में, आपका कंपनी का इवेल्युएशन जो है डजंट मीन कि आप उसमें बेच लोगे। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उसका इवेल्युएशन है 200 करोड़ का, तो वो जरूरी नहीं कि बिके, क्योंकि फिर आपको क्लाइंट चाहिए ना ऐसा कि जो 200 करोड़ रुपया दे। ये सेम ऐसे होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक जमीन है या फ्लैट है जो तुम, मतलब जैसे नेगोशिएशन हो जाए बस, नहीं मतलब जरूरी नहीं कि बिके भी। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लैट है जिसका करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 60 लाख का है ना, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं मार्केट में निकल जाऊंगी, कल बेच के निकल लेना है तो मिल जाएगा मुझे ग्राहक। मतलब फ्लैट बेचना इज अगेन अ बिग टास्क, आपको ऐसा कस्टमर खोजना पड़ेगा जिसको जरूरत है और जिसके पास पैसे भी है ना। तो इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास इतना पैसा है, इट डज मींस समथिंग कि जैसे आपकी कंपनी जो है इतने में बिक सकती है, समझ में आ रहा है लोगों।
फिर आते हैं हम ये ड्यू डिलीजेंस एक वर्ड है इसको तुम लोग बाद में स्लाइड से पढ़ लेना इट्स मोर ऑफ जैसे कि कोई इन्वेस्टर है अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कंपनी को कैसे स्टडी करना है ना उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है ऑल्दो दिस वर्ड है मतलब इसके और भी कई एप्लीकेशन है मतलब ड्यू डिलीजेंस मतलब कि जो भी चीजें जरूरी है वो सब चीजों की स्टडी ठीक है तो इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता इवैल्यूएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जैसे मान लो मेरी कंपनी है तो मैं अगर अभी इवैल्यूएट कर रहा हूँ है ना तो वो होता है प्री मनी मतलब हम बिना पैसा लिए तो जो 4 करोड़ का फिगर जो मैंने बताया था ना लास्ट एग्जाम्पल में वो प्री मनी इवैल्यूएशन था और आप मात्र 50 लाख रुपए लेते हो और आप उसको अगर 5% दे देते हो तो बेसिकली आपकी 10 करोड़ की कंपनी हो गई तो ये आफ्टर मनी पोस्ट मनी इवैल्यूएशन है ठीक है समझ में आया तुम लोगों यस सर इसके इस इसको मतलब नेक्स्ट में कर दे बाकी क्लास को ओके सर क्योंकि तुम लोग नो प्रॉब्लम ठीक है ना वरना बहुत लोग भाग भी जाएंगे कम भी बच्चे हैं ऐसे तो सर आज रात को ही रख लो सर 9 बजे हाँ सर रात को ही रख लीजिए हाँ रात को चाहे सुबह रख लेंगे मतलब कर देंगे अब क्लास ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो शाम को ही सर शाम को नहीं शाम को बाहर जाना होता है बाहर जा रहे हो दिनेश यार हमारे यहाँ